हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं चीपेस्ट एंड बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर का, जो आपको 500 रुपए के अंदर मिल जाता है फ्लिपकार्ट अमेज़न पे। ये वेबस्टर कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर है। फिलहाल आप यहां देख सकते हैं कोई लोगो नहीं लगा हुआ है। एक्चुअली होता क्या है, ये स्पीकर चाइना में एक मास प्रोडक्शन किया जाता है, उसके बाद काफी सारे इंपोर्टर्स इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद अपना लेबल लगा करके इसे अलग अलग नाम से बेचा जाता है ऑनलाइन मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में। तो इसे फ्लिपकार्ट पे आप खरीद सकते हो 362 रुपीस में। आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कैसा साउंड क्वालिटी है, कैसा बिल्ड क्वालिटी है, हर चीज के बारे में डिटेल बात करते हैं। एक बार बाहर से मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। आप देख सकते हो पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लिखा हुआ है, वायरलेस स्पीकर, और नीचे यहाँ पे 4-5 साइन बने हुए हैं। एक बैटरी का है, एक शेयरिंग का है, यहाँ पे माइक भी दिया हुआ है इस पर, तो स्प्लैश प्रूफ भी है। लैपटॉप, पीसी, आईपैड, टैब से सबसे चल जाएगा। पीछे आप देख सकते हो 3-4 घंटे का प्ले टाइम है। इसे मैंने फुल चार्ज करने में मुझे लग गया था करीब करीब 2.5 से 2 घंटा लग जाता है आराम से। आप इसमें पेन ड्राइव लगा के भी बजा सकते हो। माइक है तो आप आराम से कॉल अटेंड कर सकते हो, और स्प्लैश प्रूफ है। मेरे पास ये मिलिट्री ग्रीन कलर में है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो इस तरीके से ये स्लाइड हो जाएगा, स्लाइड करके इसे देख लेते हैं हम लोग। अब ये देख सकते हैं एक व्हाइट बॉक्स के डब्बे में है, ये ओपन करते हैं। सो ये रहा, सबसे पहले हमारा निकल जाता है एक छोटा सा डेटा केबल इसे चार्ज करने के लिए। इसे फिलहाल साइड में रखते हैं, और हमारा मेन कंटेंट स्पीकर। आप देख सकते हो कोई भी पेपर वर्क नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा बताया ये सारा कुछ जेनरिक प्रोडक्ट रहता है। तो इसे साइड रखते हैं फिलहाल। तो आप देख सकते हो इस तरीके का एक रैप में है प्लास्टिक में, और ये रहा हमारा ब्लूटूथ स्पीकर। और काफी अच्छा लुक है, काफी एक कूल सा लुक है, ज्यादा कॉम्पैक्ट डिजाइन, एकदम कॉम्पैक्ट और काफी कूल और हैवी भी है। ऐसा नहीं कि बिल्ड क्वालिटी इसकी बेकार है, फुल प्लास्टिक बॉडी है और काफी अच्छा दिख रहा है, लग रहा है दिखने में। आप देख सकते हो, और मैंने आराम से इसे एक हाथ में फोल्ड कर लिया है, मुझे हैवी उतना नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपको स्ट्रैप दिया हुआ है, आप इसे अगर बैग में टांगना चाहो या फिर वाटर बॉटल वाले में इसको घुसा सकते हो, ऐसे करके आराम से म्यूजिक प्ले करते करते घूमते रहो, सबके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर आप देख सकते हो इस पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये आपका पावर ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप और डाउन करने के लिए दिया गया है। इसी को आप लॉन्ग प्रेस करके गाना को आगे पीछे कर सकते हो। बीच में आपको प्ले एंड पॉज का बटन दिया हुआ है, और नीचे मोड का बटन दिया हुआ है। इस मोड के बटन को दबाकर आप FM मोड पे, मेमोरी कार्ड पे, पेन ड्राइव पे, अलग अलग मोड्स पे, ब्लूटूथ मोड पे जा सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो होल दिख रहा है एक्चुअली बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर है, और यहाँ पे आपका माइक्रोफोन के लिए होल दिया गया है। और इस तरीके का आप इस फ्लैप को उठाओगे तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको, मैं आप क्लोज में दिखाता हूँ, आपको एक पोर्ट मिल जाएगा आपका पेन ड्राइव लगाने के लिए। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट है, ऑक्स केबल लगा के भी आप इसे प्ले कर सकते हो, और मेमोरी कार्ड लगा के भी प्ले कर सकते हो। इस पे कौन सा ऑक्स लगता है मैं आपको यहाँ पे फोटो अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हो। ये ऑक्स केबल आपको आराम से ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। तो काफी अच्छा डिजाइन लग रहा है मुझे। इसका वेट करीब 400 ग्राम के ऑलमोस्ट होना चाहिए, काफी अच्छा है। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ इसे कनेक्ट कैसे करना है। इसे स्विच ऑन कर लेते हैं पहले, इस पावर बटन को दबा करके, लॉन्ग प्रेस करके। जी हाँ, ये स्विच ऑन हो चुका है। ओके, ब्लूटूथ मोड पे। अगर मैं मोड्स दबाते जाऊंगा ना, तो आप देखना कैसे मोड्स चेंज होता है। FM मोड पे है, ब्लूटूथ मोड पे है। बाकी आप पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड लगाओगे, ऑक्स लगाओगे, तो डायरेक्ट रीड कर लेता है यहाँ से। तो चलिए इसे कनेक्ट कर लेते हैं अपने फोन के साथ, और मैं आपको एक साउंड सैंपल देता हूँ इसका कैसा है। सबसे पहले हम लोग अपने ब्लूटूथ पे चले जाएंगे। मैं ऑलरेडी एक बार कनेक्ट कर चुका हूँ, तो शायद मैंने तुरंत कनेक्ट ले ले, या फिर आप नीचे रिफ्रेश मारोगे तो आपको TG113 नाम से देख सकते हो। तो आप देख सकते हो TG113, मैं आपको क्लोजली दिखाऊं तो ये कनेक्ट हो चुका है, इसका मॉडल नंबर यही है। तो चलिए यूट्यूब पे चले जाते हैं, जल्दी से आपको एक साउंड का आइडिया देते हैं। पावर बटन वॉल्यूम बटन को अगर आप फुल दबा करके रखोगे तो उसका वॉल्यूम फुल हो जाता है। मैक्स होने के बाद ही ऐसा आवाज करता है, ठीक है। और लो वाले को दबा के रखोगे, घटाने वाले को, तो कम होते जाएगा, और एक पॉइंट के बाद ये भी बीप करेगा। ओके, नहीं किया मतलब फुल पे ही बीप करता है, अच्छी बात है, फुल कर लेते हैं, ठीक है, फुल साउंड हो चुका है। अब यहाँ पे सर्च कर लेते हैं NCS नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स, ताकि वीडियो पे कॉपीराइट ना आ जाए। अब यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ कोई बढ़िया सा सॉन्ग, तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ NCS का फ्लटर। काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। जी हाँ, प्ले करता हूँ, देखिए मैं आपको लो से शुरू करता हूँ, अभी मिड लेवल पे है वॉल्यूम, इस पे फुल है। माइक के पास लाता हूँ,
म्यूजिक ग्रेजुअली बढ़ेगा, सुनते जाओ। नीचे आपको फॉर्म पैडिंग मिलता है, इसे ग्रिप से खड़ा रहने के लिए हिलेना बोलते हैं। टांग सकते हो ऐसे करके। अब बेस आने वाला है, जैसे बेस आता है मैं फुल साउंड करता हूँ, आपको बेस का आइडिया मिल जाएगा। आइडिया मिल चुका है, काफी अच्छा साउंड क्वालिटी इसका। अगर आप बेस लवर हो तो ज्यादा आपको बेस नहीं मिलने वाला है, लेकिन काफी अच्छा साउंड है, काफी डिसेंट है, ट्रेबल बेस का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन किया गया है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। और अभी ये फिलहाल 362 रुपीज का बिक रहा है, इसका प्राइस फ्लक्चुएट करते रहता है सेल पे, तो आप आराम से कंसिडर कर सकते हो स्पीकर को। काफी कॉम्पैक्ट, काफी हैंडी और काफी अच्छे साउंड और बैटरी बैकअप के साथ आता है ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं कोई और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।